हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेकर आए हैं स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी की रेसिपी। आप कलर देख सकते हैं, हमने इसमें कोई फूड कलर नहीं डाला है। तो देखते हैं यह बढ़िया सी पाव भाजी किस तरीके से बनाई जाती है। इसके लिए मैंने एक कुकर लिया है, इसमें मैं 2 चम्मच ये ऑयल डाल दूंगी। अब हम इस ऑयल में 1 चम्मच पाव भाजी मसाला डालेंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 20 से 30 सेकेंड के लिए हम इसे भूनेंगे। अब मैंने यहाँ पे कुछ कटी हुई सब्जियाँ ली हैं, जिसमें मैंने गाजर, शिमला मिर्च, फूल गोभी, पत्ता गोभी और चुकंदर लिया है। चुकंदर को मैंने 1/2 लिया है, जिसे हम बीट रूट कहते हैं। और सारी सब्जियों को हम कुकर के अंदर डालेंगे। बीट रूट डालने से जो हमारी पाव भाजी है उसका कलर काफ़ी अच्छा आता है और हमें इसमें कोई एक्स्ट्रा कलर डालने की नीड नहीं पड़ती। हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इस समय 1 आलू काट कर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आलू को बाद में डालूंगी। अब हमने इसमें 1 चम्मच नमक डाला है। नमक आप देख कर डालें, क्योंकि जब हम ग्रेवी बनाएंगे उस समय भी नमक डालेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और लगभग 1.5 कप के करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया है। पानी का जो लेवल है वह सब्जियों से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, हमें इतना पानी इसमें डालना है। 1/2 कप मैंने यहाँ पे मटर ली है। मैं यहाँ पे सिंपल मटर का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जो सर्दियाँ हैं उसमें मटर काफ़ी अच्छी आती है। आप चाहें तो फ्रोजन मटर भी ले सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे, कुकर की लीड लगाएंगे और 2 विसल आने देंगे। और आप देख सकते हैं 2 विसल आ चुकी थी, इसका सारा प्रेशर निकल गया है। अब जो हमारी सब्जियाँ हैं अच्छे से बॉयल हो गई हैं और मैं चम्मच से इस तरीके से इसको मैश करूँगी। और आप देख सकते हैं जो हमने बीट रूट डाली थी उसकी वजह से जो कलर है काफ़ी अच्छा आया है। अब मैंने यहाँ पे 1 पोटैटो मैशर लिया है और इस तरीके से सारी सब्जियों को मैं अच्छे से मैश कर लूँगी। सारी सब्जियाँ मैश हो गई हैं, मैं इसे साइड से रखती हूँ। अब हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने 1 कढ़ाई ली है और इसमें मैं 1 चम्मच ऑयल डालूँगी। 1 चम्मच हम इसमें बटर डालेंगे, 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। इस तरीके से बटर डालने से बटर जलता नहीं है और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। और 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच भर के मैं यहाँ पे पाव भाजी मसाला डाल रही हूँ। सभी मसाले को हम अच्छे से बटर में भूनेंगे। इस तरीके से भूनने से जो पाव भाजी है उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अब मैंने 1 प्याज ली है, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। हम इसके अंदर डालेंगे और इसे हम भूनेंगे। प्याज अच्छे से भुन चुकी है और मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च ली हैं, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। और 1 चम्मच मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है। और अब मैं इसमें 2 टमाटर की प्यूरी ले रही हूँ। मैं टमाटर की प्यूरी बना के रखती हूँ, इसलिए इसका थोड़ा सा रेडिश कलर है। आप चाहें तो तुरंत टमाटर को पीस कर भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ग्रेवी पकी हुई है इसलिए हमें इसमें टाइम नहीं लगेगा और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आप देख कर डालें, क्योंकि हमने सब्जियों को बॉयल करते हुए भी नमक डाला था। 1 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे हाथ से क्रश करके और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और हम लगातार चलाएंगे। और आप देख सकते हैं जो घी और बटर हमने डाला था इसके ऊपर अच्छे से सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें बॉईल की हुई सारी सब्जियों को डाल देंगे। और आप देख सकते हैं हमने ये तुरंत बनाई है, क्योंकि मेरे पास जो टमाटर की प्यूरी थी वह पहले से ही पकी हुई थी। सब्जियों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे 2 उबले हुए आलू लिए हैं, जिनको मैंने छील कर ग्रेट कर लिया है। हम डाल देंगे इसके अंदर और पोटैटो मैशर से हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो आलू को सब्जियों को बॉईल करते हुए भी डाल सकते थे। और मैंने सारी सब्जियों को अच्छे से मैश कर लिया है, क्योंकि जितनी अच्छी सब्जी मैश होगी उतनी ही हमारी भाजी टेस्टी बनेगी। और सारी सब्जियां अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब मैं इसमें 1 कप के करीब ये लगभग गर्म पानी डालूंगी। ध्यान रहे, जब हम इस तरीके से पानी डालेंगे तो हमें गर्म पानी डालना है, इससे जो हमारी भाजी है उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अगर आप ठंडा पानी डालेंगे या नॉर्मल पानी डालेंगे तो थोड़ा सा टेस्ट में फ़र्क पड़ जाता है। पानी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और सारी सब्जियों को हमने अच्छे से मैश कर लिया है। कितनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी की हमारी ये भाजी बनकर तैयार हुई है।
अब मैं इसमें एक नींबू का रस डाल दूंगी और काफ़ी सारा हम इसमें धनिया डालेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 से 6 मिनट तक हम इसे ऐसे ही पकने देंगे। काफ़ी बढ़िया और डिलीशियस हमारी भाजी बनकर तैयार होती है, देखिए लुकिंग। और इसे अब हम साइड से रखते हैं, हम पाव सेकते हैं। इसके लिए मैंने एक तवा लिया है, इसके ऊपर मैं ये 1 चम्मच बटर डाल दूंगी क्योंकि मैं मसाला पाव बना रही हूँ। हमें इसमें से एक्स्ट्रा कुछ मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो भाजी बनाई थी मैं 2 चम्मच के करीब ये भाजी डालूंगी। काफ़ी सारा हम इस पर धनिया डालेंगे और मैंने ये पाव लिए हैं, इनको मैंने बीच में से कट किया है और इस तरीके से हम इसे सेक लेंगे। काफ़ी बढ़िया हमारी पाव भाजी बनकर तैयार होती है और अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने भाजी ली है और अब मैं इसमें ये काफ़ी सारे ये बटर डाल दूंगी क्योंकि भाजी में बटर ना हो तो टेस्ट का मज़ा ही नहीं आता। और ये हमने ऊपर से धनिया डाल दिया है जिसे यह देखने में काफ़ी सुंदर लगेगी। पाव रखेंगे और मैंने यहाँ पे ये प्याज ली है और इसके ऊपर हम ये नींबू रखेंगे और मैंने ये ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है। लीजिए हमारी टेस्टी पाव भाजी बनकर तैयार है, काफ़ी टेस्टी बनी है और लुकिंग आप देख सकते हैं। हमने इसमें कोई फूड कलर कुछ नहीं डाला है और बिल्कुल सिंपल तरीके से और फटाफट से हमने ये रेसिपी बनाकर तैयार की है। तो आप इस तरीके से इसे बनाइए, इंजॉय कीजिए और बनाने के बाद कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।